फ्रेंड्स बेसिकली इस वजह से मैंने रखी है क्योंकि मेरी साइड की जो स्टोरी है, जो पक्ष है, वो अभी तक आप लोगों तक पहुंचा नहीं है। 1 जून को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जो एलिगेशंस लगाए गए, उसके बाद पहली FIR हुई, सेकंड FIR हुई अगेंस्ट माय पेरेंट्स, ब्रदर एंड मी। तो ये सारी डिटेल्स एक्चुअली आज तक अभी इतनी खुल के आई नहीं है और बड़ा कन्फ्यूजन सा लोगों के मन में भी है कि मतलब एग्जैक्टली इस केस में हो क्या रहा है, किसका पक्ष क्या कहना चाह रहा है, क्या ये सही है, क्या ये झूठ है। ऑफकोर्स मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें एकदम से हो गई थी, सो मुझे तो समझ में ही नहीं आया। अगले दिन तो आप लोगों में से कितने लोगों ने फ़ोन किया कि सर आप अपना पक्ष बताइए। मुझे एक्चुअली महीने लग गए टू जस्ट अंडरस्टैंड कि मेरे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि जो किया भी गया था उसके पीछे भी बहुत महीनों की प्लानिंग थी। इट वॉज़ नॉट कि एक दिन में आपके ऊपर केस लगाया जाता है। एक केस का जवाब बनाने में, मतलब मुझे देने में अगर 2-2, 3-3 महीने लग रहे हैं तो बनने में कितना टाइम लगता है, और अगर 24 घंटे में आपके पास 3-3 केस रेडी हैं तो इसका मतलब कि कुछ और हो रहा है। इट इज़ नॉट जस्ट कि आपने सोचा और अगले दिन ये कर दिया। और जिसके साथ अगर ऐसा कुछ हादसा हो, जो FIR 1 में जो झूठा डोमेस्टिक वायलेंस का केस मेरे ऊपर किया गया, रात को ये चीज़ हम लोग पुलिस स्टेशन में है, अगले दिन सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें से आप लोगों में से कितने लोगों ने बताया कि हमें फ़ोन करके बुलाया गया है इस चीज़ के लिए। तो कौन एक नॉर्मल, जिसके साथ अगर ऐसा कोई हादसा होता है, अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रेडी होता है? मतलब मुझे तो बड़ा डाउट है इस चीज़ में कि मतलब हाउ डू यू डू इट, आई वॉन्ट बी एबल टू डू इट। तो आई जस्ट गो सीक्वेंस वाइज। पहले वाले FIR के बारे में तो वैसे भी कोई बात हो ही नहीं रही है जहाँ से इस चीज़ शुरू की गई, क्योंकि उसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन होनी थी, जो सबूत हैं, जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करनी थी, उसका केस जो है वो तो अपने हिसाब से चलेगा ही चलेगा। सो आई एम जस्ट गोइंग टू गो अ लिटिल पॉइंट वाइज टुडे बिकॉज मैटर इज इन लिटिगेशन। सब कुछ मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, बट हाँ कुछ चीज़ें मैं आप कह सकता हूँ क्योंकि ये कोर्ट में लगा दी गई हैं पिछले महीने, ठीक है। सो जो हमारी सेकेंड FIR हुई थी अगेंस्ट मेरे मम्मी पापा, मेरे छोटे भाई के अगेंस्ट, मेरे अगेंस्ट, ये काफ़ी कन्फ्यूजन एक क्रिएट किया गया है। हाँ नहीं, ये धाराएं ना करण के ऊपर लगाई थी, ये धारा ना निशाने पेरेंट्स के और ब्रदर के अगेंस्ट नहीं लगाई थी। तो कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है एंटिसिपेटरी बेल का, सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक अ हेल्प ऑफ समबडी हियर टू जस्ट अनाउंस इट, बिकॉज आज मैं वो ऑर्डर लेकर आया हूँ। लोगों को यही कहा जाता है, नहीं ये धारा मैंने करण पर लगाई थी, उसके पेरेंट्स के अलावा मतलब उनके ऊपर तो लगाई नहीं गई है। सो द सेकेंड FIR की मैं सिर्फ धाराएं आपको बता देता हूँ अगेंस्ट माई फादर, मदर एंड छोटे भाई की। सो द फर्स्ट धारा इज 498A विच इज़ फॉर डाउरी, 377, बड़ा संगीन वाला ये IPC है, 377 इज अननेचुरल सेक्स, जो कि चारों पे लगा है। चारों पे लगने का मतलब है कि हर एक के साथ इंडिविजुअली, मतलब फादर ने निशा के साथ, मदर ने निशा के साथ, एक औरत ने निशा के साथ, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ दैट हैपेंस, ब्रदर ने निशा के साथ, मैंने निशा के साथ, तो ये 377 सेक्शन लगा है। यहाँ पे बहुत सारी औरतें हैं, सो दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस सेक्शन बेटर। 406, 323 विच इज़ अ वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट, 504, 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, एंड 34 क्रिमिनल कॉन्डक्ट ऑफ IPC। तो इफ़ आई कैन टेक योर हेल्प जस्ट टू शो यू दिस ऑर्डर, बिकॉज मतलब वैसे भी मैं आप लोगों को ये ऑर्डर नहीं दिखा सकता, बट आई एम जस्ट गोइंग टू, इफ यू कैन जस्ट रीड ये क्या नाम लिखे हैं तीन। ओके, नंबर 2 इज मिसेस बेला अजय मेहरा, माय मदर, या नंबर 3 इज मिस्टर अजय मेहरा, माय फादर, एंड एप्लीकेंट नंबर 4 इज मिस्टर कुणाल अजय मेहरा, माय यंगर ब्रदर। इनको मिली है एंटीसिपेटरी बेल, ठीक है। किन सेक्शंस में मिली है? एंड द ऑफेंस इज 498A सेक्शन, 377, 406, 323, 504, 506 एंड 34 ऑफ द आईपीसी ऑफ द फॉलोइंग, या जी थैंक यू। तो ये ऑर्डर है, ये सारी धाराएं लगी हैं जो मैम ने अभी पढ़ी आप सबके सामने, तो ये धाराएं लगी हैं। तो ये कहना बार बार कि नहीं मैंने उनके पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं किया और सिर्फ करण के अगेंस्ट किया है, तो बेसिकली पेरेंट्स के ऊपर लगाया क्या गया है? यू नो इट्स अ वेरी कन्फ्यूजिंग थिंग। और अगर पेरेंट्स के ऊपर धाराएं नहीं लगाई हैं तो फिर एंटीसिपेटरी बेल उनको कैसे मिली है और क्यों मिली है, क्यों दी गई हैं? जब धारा ही नहीं है तो फिर क्यों आप मांग रहे हैं? ये ज़रा सोचने वाली बात है, क्योंकि क्या होता है ना, एक चीज़ बोल दी जाती है
ऑफकोर्स मीडिया एक माध्यम है जहाँ से हम एक बात लोगों तक पहुँचा रहे हैं, बट एक परसेप्शन बड़ा जल्दी से क्रिएट हो जाता है बिकॉज आज हमारे पास सारे हथियार हैं, मतलब इंस्टाग्राम है, इधर है, यहाँ पोस्टिंग होती है, वहाँ एक अपना कॉमेंट आ जाता है, हज़ारों लाखों की तादाद में हम लोग चीज़ें बोल देते हैं, बट अभी तक मैंने अपना पक्ष तो बोला ही नहीं। तभी तो एक कोर्ट है, कोर्ट तभी तो वैल्यू करता है ना कि एक साइड का हमने सुना तो दूसरी साइड का हम सुने, बट वहाँ तो कैरेक्टर है, असैसिनेशन जो करना था वो तो उसी टाइम कर दिया गया, करेक्ट। सुनाओ, अब जब ये धाराएं लगी, अब इसके बाद एग्जैक्टली क्या हुआ और क्या प्रोसेस होता है? इसके बाद मेरे पेरेंट्स को, मेरे भाई कुणाल को, पैंडेमिक वॉज एट पीक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, पैंडेमिक बहुत ज़्यादा पकड़ा हुआ था उसने अपना ग्रिप इन द मंथ ऑफ जून। अब उस सिचुएशन में आप लोग सोच सकते हैं जब हम नहीं जा रहे तो मैं अपने 70 साल के फादर मदर को कैसे जाने दूँ? ऑफकोर्स जाना पड़ेगा। तो बेसिकली व्हाट इज एट रिस्क? लाइफ ऑफ माय पेरेंट्स इज एट रिस्क, करेक्ट। मतलब उनको भी कुछ भी हो सकता है, मैं उनको कैसे जाने दूँ? बट ये हमारे साथ किया गया। पुलिस स्टेशन भी आना था, आपको अपना सफाई देने भी आना है, आपको अपनी एंटिसिपेटरी बिल भी लेनी है, तो ये सारी चीज़ें क्रिएट की गई उस टाइम पे। तो उस दौरान हम सब के लिए, हम चारों के लिए एज अ फैमिली ऑफकोर्स बहुत स्ट्रेस था, इमोशनली स्ट्रेस था, फिजिकली स्ट्रेस था, फाइनेंशियली स्ट्रेस था। फाइनेंशियली कैसे स्ट्रेस हो गया? क्योंकि करण तो घर से बाहर निकाल दिए गए तो बेसिकली मेरे पास तो जेब में पैसा भी नहीं था ना, मैं तो अपने घर से बाहर निकल गया। मैंने तो 20 साल में जो मेहनत की है, जो बनाया है, वो तो सब चीज़ें छोड़ के मुझे तो बाहर रहना पड़ रहा है, एंड आई एम फाइटिंग द केसेस विद नथिंग। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट नहीं था, मेरे पास अपने कपड़े नहीं थे, मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं थी, मेरे पास अपना कुछ भी नहीं था, सिर्फ अपने एक फ़ोन के साथ मैं निकला हूँ। और मैंने इस FIR का 600 पेज का जवाब बनाया है, सिर्फ चीज़ें याद कर करके, सिर्फ चीज़ें कहीं कहीं से कलेक्ट करके, देन आई गॉट एंटिसिपेटरी बेल। डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल? जितने संगीन IPC लगाए हैं इसमें बेल मिल सकती है आपको? क्या मेहनत हमने करी होगी और हमें करनी पड़ी होगी, या फिर मैंने अपने आप को भी, आपका करियर, आपकी इज्जत, आपका शौहरत जो भी है, सब कुछ दांव पे लगी गया है ना, बट आप लड़ रहे हो ना। 14 महीने से आज मैं आपके सामने बैठा हूँ ना, अकेला हूँ ना, खड़ा हूँ, लड़ रहा हूँ, चाहे कोई हो साथ में ना हो, बट द आइडिया वॉज टू फाइट दिस आउट। द रीज़न वॉज कि ये गलत जो हो रहा है, ऐसा नहीं क्योंकि कल को अगर मैं ये चीज़ ना करूँ, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता, फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, ख़त्म हो गई चीज़, दुनिया अपना चल रही है, सबको लगेगा अरे कुछ हुआ होगा, या तो करण की गलती थी या यू नो होगा, बिकॉज दैट इज़ द परसेप्शन, आदमी है तो गलत है। दिस इज़ नॉट द केस, आदमी है तो गलत नहीं है। औरत की मतलब कैरेक्टर पर अगर आप कुछ बोल दो तो वो कैरेक्टर असैसिनेशन हो जाता है। आदमी बोल रहा है तो उसका कोई कैरेक्टर नहीं है, एक बाप है तो उसका कोई कैरेक्टर नहीं है। एज अ सन मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी भी माँ है, मेरी भी बहनें हैं। मैंने 20 साल से आप लोगों के साथ काम किया है, क्या इज्जत मैंने आप लोगों को दी है कोई मुझे बता दे। हाउ आई रिस्पेक्ट वुमेन, आई हैव वर्कड विद सो मेनी पीपल, यार ऐसा तो होता नहीं है। या तो कभी कुछ किया हो, आ जाना चाहिए था ना 20 साल में, कुछ तो आता। मेरा किस तरह का नेचर है, मैं किस तरह से आप लोगों से बात करता हूँ, मुझे तो याद है रिश्ता में तो मैंने कभी किसी को खड़ा भी ना कराया हो। मैं अपना खाना छोड़ के पहले आप लोगों को बाइट्स दे के बोलता था कि आप लोग जाइए, कोई बात नहीं। दिस इज़ हाउ आई वर्कड एंड दिस इज़ वॉट आई गेट। मतलब पूरी दुनिया में आप इज्जत कमा रहे हो, सबके साथ आप अच्छे हो, बट हाँ आपके खुद के घर के लोग, मतलब आपकी बीवी आके कहती है कि आपने ये किया। ओके नाउ मूविंग ऑन। तो आज, अब ये बड़े स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं ज़रा, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली रखने का मुद्दा क्या था, ताकि आप लोगों तक ये सच्चाई पहुंचाई जाए जिसकी वजह से मुझे मारने की बार बार धमकियां दी जा रही हैं। दिस इज़ नॉट हैपन वंस, दो बार नहीं हुआ है, काफ़ी बार हो चुका है कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मेरे पेरेंट्स को जान से मारने की धमकी दी गई, मेरे ब्रदर को भी। सो दिस इज़ दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम कमिंग एंड डूइंग दिस। क्योंकि कल को ये ना हो कि एक वैसा वाला कोई सिचुएशन बन जाए कि कुछ हो गया था इसको, हमें तो पता ही नहीं, ख़त्म हो गया, शायद मामला भी ख़त्म हो जाएगा। द रीज़न वाई आई एम डूइंग दिस इज सो दैट दिस ट्रूथ कम्स आउट इन फ्रंट ऑफ यू गाइज, ताकि सबको पता हो कि मैं आज क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। पहले तो मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुछ टाइम पहले, मैंने 1-2 महीने पहले सिर्फ इतना बोला था कि निशा एक गैर मर्द के साथ मेरे घर में रह रही है। तब काफ़ी आईब्राउज रेज हुए थे, काफ़ी लोग कह रहे थे कि ये कौन है, क्या है।
आज ये सबूत कोर्ट में पेश हो गए हैं, ये सबूत मेरे लॉयर्स ने कोर्ट में लगा दिए हैं, इसलिए मैं इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बेसिकली सबूतों के बिना पे हो रहा है, मतलब अदरवाइज़ ऐसे ही हवा में बोलने में तो काफ़ी लोग बोलते ही हैं। सो निशा रावल, जिनका अभी तक डिवोर्स हुआ नहीं है, इट इज़ इन द प्रोसेस, अभी हुआ नहीं है, वी आर स्टिल कंटेस्टिंग इट इन कोर्ट। सो उनका एक अभी करंटली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है विद रोहित साटिया। अब रोहित साटिया कौन है, कुछ लोग जानते हैं रोहित साटिया कौन है। बेसिकली रोहित साटिया वो शख्स है जो निशा के मुंह बोले भाई हैं। 14 साल तक ये आदमी मेरे सामने निशा से राखी बंधवाता रहा, हमारी शादी में इसने कन्यादान किया है। सो कैन यू इमेजिन द लेवल ऑफ रिलेशंस दैट वी आर शोइंग टू द वर्ल्ड। मतलब आप एक तरफ भाई बहन का रिश्ता है, एक तरफ कन्यादान आप कर रहे हैं, लेकिन शी इज़ हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद रोहित साटिया, और इसका सबूत हमने कोर्ट में डाल दिया है। अब ये बात ऑफकोर्स मैं पहले आप लोगों तक नहीं पहुंचा सकता था बिकॉज आई डिडन हैव प्रूफ। अब एक चीज़ जैसे अब मेरे साथ हुई थी पिछले साल, करेक्ट, उस टाइम पे मैं आगे आके अगर ये चीज़ बताऊँ तो कैसा लगेगा, सडनली द परसेप्शन अगेन गोज कि अरे इसके ऊपर लगाई ये चीज़ें तो अब शायद ये ऐसा बोल रहा है और देखो भाई बहन के लिए बोल रहा है, विच इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो आई डिडन रेज दैट क्वेश्चन। मुझे 14 महीने लग गए हैं सबूत इकट्ठा करने में, 14 मंथ्स इट्स टेकन फॉर मी। एक एक चीज, एक एक इवेंट, एक एक सबूत वहां से लेकर आओ, इससे बात करो, दोस्तों ने कुछ बताया, इसने कुछ बताया, कुछ चीजें हार्ड एविडेंस आपके पास आ जाती हैं, ये सारे सबूत इकट्ठे किए गए। इट्स टेकन अ लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम माई एंड। सो रोहित साटिया बेसिकली लखनऊ से हैं, जिनकी ऑलरेडी एक बच्ची है 7 साल की, बीवी है, माँ है, तो उनको छोड़कर यहाँ पे बॉम्बे में रह रहे हैं पिछले 14 महीने से, जब से ये हुआ है। एंड ये सब कुछ मेरे बच्चे के सामने हो रहा है बिकॉज काविश इज़ इन द हाउस, निशा की मदर लक्ष्मी रावल इज़ ऑल्सो इन द हाउस, एवरीबडी नोज अबाउट द ट्रूथ। तो जैसे मैंने कहा कि देखिए भाई बहन का जो रिश्ता होता है, एक बाप बेटी का रिश्ता होता है, पवित्र रिश्ते होते हैं, बट ऑफकोर्स इस सिचुएशन में तो मजाक बन गया। एंड निशा ने ऑफकोर्स मुझ पे झूठे केसेस इसलिए भी लगाए ताकि मैं जो निशा का एक और इनफिडेलिटी वाला केस ऑलरेडी आप लोग जानते हैं जो लॉकअप शो में बोला था, शी स्पोक अबाउट दैट ड्यूरिंग 2015-16 शी हैड एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। वो अफेयर तो अलग है, वो तो खुद ही एक्सेप्ट किया है, ये अफेयर अलग है, ताकि अगर मैं कुछ बोलने भी जाऊँ तो इस पे डाल दो कि इसका अफेयर है। तब तक झूठे केसेस मेरे फादर, मदर, भाई के अगेंस्ट भी फाइल हो चुके हैं, पहले आदमी उसमें लग जाए कि जवाब कहाँ देता रहे। वो तो यही सोचता रहे कि भैया मैं पहले इससे निपटूँ, पहले अपनी लाइफ को समझने की कोशिश करूँ कि इस कौन सी स्थिति पे मैं आ चुका हूँ, उसके बाद मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, उसके बाद मैं शायद कुछ। और क्या सबूत दोगे यार आप, जब कोई बोल देता कि भाई बहन है, क्या सबूत दोगे आप, टेल मी, अनटिल अनलेस यू डोंट कैच देम इन द एक्ट, दैट इज द थिंग। और अगर आप एक बार ये भी सोचिए, अगर इतने ही सच्चे थे तो 1 जून को जब निशा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, सबको बताया कि क्या है, तो अपने अफेयर के बारे में पहले ही बता देते आप। 2015 में आपका भी हुआ था ना, आप बता दीजिए, हमारा तो कोई वो केस है ही नहीं क्योंकि हमारे पे तो सारे झूठे चीज़ें हैं। आप सच्चे हो, आप अपना बता देते कि 2015 में आपका अफेयर था, तो वो तो हुआ नहीं। अब जब लॉकअप शो में तो ज़रूर चले गए, तो वहाँ पे पैसे जब मिल रहे थे तो सब सच्चाई बाहर आ गई। सच्चाई एक्सेप्ट करने का रीज़न क्या था, इतने महीनों तक तो नहीं किया, 10 महीने तक तो मैं गला फाड़ता रहा, लोगों को बोलता रहा कि नहीं उसका कुछ चल रहा है, अफेयर है, बट ऑफकोर्स जब तक आपके पास सबूत नहीं आप कैसे बोलोगे। अब जब 10 महीने के बाद निशा ने ये कह दिया लॉकअप में, सडनली जो 1 जून को मुझे हज़ारों लाखों की तादाद में जो मैसेज आए हुए थे, जहाँ पे कितने लोगों ने क्या क्या नहीं कहा है, एक मौका मिल जाता है ना लोगों को बोलने का, क्या क्या नहीं कहा गया, सडनली सब लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं दैट वी आर सॉरी। एंड दीज आर गर्ल्स, मैक्सिमम वो गर्ल्स, मोटी मोटी गालियाँ लिख के दी थी सबने।
मतलब आप समझिए जिसने 20 साल तक मेहनत की, एक दाग नहीं लगने दिया उसने अपने ऊपर, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल स्टार्डम, दिस इज व्हाट वी कॉल फैन लव. नो, इसीलिए सच्चाई बता रहा हूँ. बट अब सब पलटे उसके बाद, सब ने माफ़ियाँ मांगी, सब लोगों ने लिख के भेजा कि नहीं सर, वी आर सॉरी बिकॉज हमने एक चीज़ देखी, हमने उस पर रिएक्ट कर दिया. तो ये रिएक्शन के लिए नहीं होती हैं चीज़ें, आप लोगों को समझना पड़ेगा. एज सिटीजन्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप समझें कि किसी के साथ क्या हो रहा है. एज रिपोर्टर्स आप सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक चीज़ को आप लोगों तक पहुँचाएँ. किस वे में पहुँचाएँगे वो अब सब हम पे, हम ह्यूमंस हैं, हम सब पे डिपेंड करता है. एक इन्फॉर्मेशन अगर मैंने भी दो बार इंटरव्यूज़ पहले दिए हैं, बड़े छोटे छोटे, ज़्यादा कुछ नहीं, बट मैंने अपने लॉयर के साथ बैठ के दिए, सो दैट वॉज उसका एक कुछ तो वेटेज होता ही है. सो दैट वॉज द केस. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग्स, रोहित साठिया बेसिकली इनकी कुछ फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज चल रही हैं. सो इस वजह से निशा के साथ मिलकर ये पूरी प्लानिंग की गई, ताकि मुझसे मेरा घर, गाड़ियाँ, बिजनेस, बच्चा, सब कुछ हथिया लिया जाए. अब कैसे करेंगे, ऑफकोर्स झूठे केसेस में फंसा के करें ताकि ये फंसा रहे, कॉम्प्रोमाइज़ कर लें. बट वो हुआ नहीं बिकॉज आई डिडंट गिव अप. कहीं ना कहीं ऑफकोर्स जब कोई नहीं होता है, कहते हैं ना, तो अकेले ताकत यही थी कि अपने घर वालों को भी संभालो, आपको लड़ना भी है, आपके पास इमोशनल होने का टाइम नहीं है. क्योंकि 4-5 दिन के बाद आई वॉज ऑन द सेट शूटिंग ऑल्सो, आई डेंट हैव टाइम. आज भी टाइम नहीं है, आज भी इंटरव्यू दे रहा हूँ, बट आई डोंट हैव टाइम टू गेट इमोशनल. करेक्ट. सो ये सारे झूठे केसेस मुझ पे इसलिए किए गए ताकि मुझे इनक्रिमिनेट किया जाए. इन केसेस में मेरे मदर फादर्स पे अलग प्रेशर, कुणाल पे अलग प्रेशर, ब्लैकमेल किया गया थ्रू दी डिमांड्स जो बना, मतलब मांगी जा रही थी कि हमें ये चाहिए. ऑफ कोर्स थ्रेटन किया गया. काविश को एज एन इमोशनल वेपन यूज़ बहुत किया जा रहा है, बट उसके लिए भी यू नो यू हैव टू बी स्ट्रांग. आई कांट थिंक ऑफ काविश राइट नाउ, जहाँ भी है ठीक है, बट कल को जब होगा उसके बारे में बात करेंगे. सो और जैसे मैंने कहा, तो मेरा घर, बिजनेस है, जो ऑफकोर्स निशा के नाम पे था इसलिए वो हथिया लिया गया. हर चीज़ में ऑफकोर्स मेहनत लगी है, पैसा मेरा लगा है, मेहनत मेरी लगी है, सालों की मेहनत है, घर, गाड़ियाँ, बच्चा, सब कुछ अपने पास जब्त करके ये लोग बड़ी आसानी से बैठ गए. और ये क्यों हो पा रहा है, आगे के कुछ स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ. रोहित साठी ऑफकोर्स शराब भी पीते हैं, चेन स्मोकर भी हैं, और गुटखा, पान, ये सब ऐसी चीज़ें कुछ खाते हैं. और ये सब चीज़ें के बीच जो आदतें इसकी हैं, काविश मेरा 5 साल का बेटा इज़ स्टेइंग विद दिस गाय. मतलब मैंने ये चीज़ें शुरू ही नहीं की अभी ज़िंदगी में, तो एज अ फादर मतलब मैं क्या कहूँ अभी आपको, आपको कैसा लगेगा. और इसी वजह से नाउ आई एम फाइटिंग फॉर द कस्टडी ऑफ माई चाइल्ड, कि मुझे काविश चाहिए एंड वो मेरे साथ रहे, एंड उसकी विजिटेशन राइट्स जब तक ये सॉल्व नहीं होती चीज़ें, आई वॉन्ट दोज विजिटेशन राइट्स. काविश का एक्सेस नहीं है मुझे, लेकिन हाँ, रोहित साठिया के पास ऑफकोर्स टाइम है. दो बर्थडेज आई मिस्ड, 14 June इज बर्थडे, ठीक है, बट रोहित साठिया यू कैन सी इन द पिक्चर्स फोटो खिंचाते हुए उसके साथ, तो ये चल रहा है. रोहित साठिया की जैसे मैंने कहा खुद फैमिली है, बच्ची है 7 साल की, जो कि काविश को राखी बांधती है, माँ है, वाइफ है, एंड ऑफकोर्स आई हैव रिस्पेक्ट फॉर देम बिकॉज मैं उनको सालों से जानता हूँ. करेक्ट. एंड आई फील वेरी सॉरी बिकॉज जो सच्चाई है हम सबको पता है, ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता, सबको पता है, बट इसमें दो बच्चे इन्वॉल्व हैं. द रीज़न अगेन, वन ऑफ द पॉइंट बिकम्स कि कल को इन बच्चों को हम क्या कहेंगे, इन बच्चों को क्या, मतलब हम लोग क्या वो दे रहे हैं फ्यूचर, कि दिस इज व्हाट हैपेंड. बट सी, आई एम फाइटिंग फॉर द ट्रूथ, आई विल तो गो फॉर इट,
किसी ने आना है, आए नहीं आए, दैट इज़ देयर चॉइस. किसी का कुछ रीज़न हो सकता है, दैट इज़ देयर पर्सनल चॉइस. आई कांट फोर्स एनीबडी टू कम आउट एंड से द ट्रूथ. करेक्ट. और इनजस्टिस तो हम सबके साथ ही है ना. अब जैसे उसकी भी फैमिली होगी, तो अगर दो फैमिलीज आप ये ले रहे हो जिसमें से निशा रावल एंड रोहित साठिया आर एक्चुअली हैविंग एन अफेयर, तो बाकी के जो मेंबर्स हैं उनके लिए तो तकलीफ है ना. दे आर सपोज टू गो थ्रू दिस, राइट. एक और चीज़ है, आई हैव बीन गेटिंग कॉल्स, मतलब एक नो कॉलर आईडीज होती हैं आजकल, है ना, नंबर पता ही नहीं चलता है, राइट. तो मुझे नो कॉलर आईडीज से कॉन्स्टेंटली फ़ोन आते हैं, ठीक है, जो कि ऐसे दिखाई देते हैं, नो कॉलर आईडीज, नो कॉलर आईडीज, नो कॉलर आईडीज, नो कॉलर आईडीज, ठीक है. नहीं, इट्स नॉट लाइक एन एविडेंस, आई हैव जस्ट शोन यू नाउ, आई हैव इट, ठीक है. ये सब अब जो भी है, दिस इज जस्ट नो कॉलर आईडीज आती हैं ऐसे. अब इनमें से शुरुआत में कभी, क्योंकि रात को कभी आप सो रहे हो तो एकदम से आ गया था, तो शुरुआत में एक दो बार जब आई तो एक बार मैंने उठा लिया. सो देन आई वाज अगेन थ्रेटन्ड कि भाई ये केसेस वेसेस ख़त्म कर लो वरना इसका रेपुटेशन अच्छा नहीं होगा. फिर मैंने कभी उसका उठाया नहीं. देखिए, बिकॉज कल को कुछ मुझे हो जाए या मेरे मदर पेरेंट्स या कुणाल पे किसी तरह का कुछ कुछ किया जाता है उनके साथ, ये आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है. ये लॉ इन्फोर्समेंट को पता होना बहुत ज़रूरी है. जितनी बार थ्रेट्स हुई हैं, आई हैव एक्चुअली ईमेल द कमिश्नर ऑफ पुलिस बॉम्बे, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बॉम्बे, गोरेगांव पुलिस स्टेशन, सबको टाइम टू टाइम मैंने बार बार ईमेल्स लिख के ये चीज़ें डाली हैं. पुलिस ऑल्सो नोज, माई आई ओज ऑल्सो नो, दे हैव बीन इन्फॉर्म्ड अगेन एंड अगेन. थ्रेट लेवल्स किस तरीके के हैं उनके बारे में भी मैं आपको आगे बताता हूँ. सो रोहित साठिया इज आई थिंक लिटिल पॉलिटिकली कनेक्टेड. तो अभी जितने भी हमारे FIRs हैं, FIR 1, FIR 2 में काफ़ी पॉलिटिकल प्रेशर यूज़ किया जा रहा है. सो आई बीन फाइटिंग दैट ऑल्सो. सो निशा हैज़ एक्चुअली गॉन अहेड कॉल्ड एंड थ्रेटन्ड अ विटनेस ऑफ माइन. ये रिपोर्ट हम ऑलरेडी गोरेगांव पुलिस स्टेशन में सबमिट कर चुके हैं. निशा रावल एंड रोहित साठिया हैव गॉन पर्सनली टू IDBI बैंक अंधेरी ईस्ट, जहाँ पे हमारा हाउसिंग लोन है, वहाँ जाके एक सीनियर ऑफिशियल को धमकी देकर आए. वहाँ पे 25 लोग प्रेजेंट हैं. भाई आप लोग कैसे, मतलब आप सोच सकते हैं कि मतलब आप थ्रेटन करने जाते हो किसी को ऐसे? कुछ तो होगा ना कि आप खुद वहाँ फिजिकली प्रेजेंट होकर दोनों कर रहे हो ये, कुछ तो मुद्दा होगा ना भाई, कैसे कर पा रहे हो आप ये? फिर उनको पॉलिटिकल प्रेशर से बुलवाने की कोशिश भी की गई, बट दैट डिडंट काइंड ऑफ हैपन. IDBI ऑफिशियल्स की स्टेटमेंट्स ऑल्सो हैव बीन रिकॉर्डेड सबमिटेड इन द पुलिस स्टेशन, गोरेगांव पुलिस स्टेशन. लाइफ थ्रेट्स गिवन टू मी, एविडेंस ऑलरेडी सबमिटेड इन कोर्ट अगेन बाय माई लॉयर्स. इसी के साथ साथ काफ़ी और कुछ कुछ हाईलाइट करता हूँ कुछ पॉइंट्स. एविडेंस जो हमने और सबमिट किया है, जैसे अगर मेरी गाड़ी थी जो मुझे बैंकर्स को सबमिट करनी थी, तो ये गाड़ी कब इम्पीरियल हाइट से निकाली गई, कैसे निशा और रोहित साठिया उसमें आए, बैठे, लेके गए, गाड़ी वहाँ से गायब कर दी. दूसरे दिन कहते हैं बैंकर्स जब आए तो उनको कहा कि करण ने गाड़ी चुरा लिए, करण ने अपनी गाड़ी चुरा लिए, ठीक है. हम पुलिस स्टेशन गए, मैं गया बैंकर्स के साथ पुलिस स्टेशन कि अब हम इस सिचुएशन में क्या करें सर, हमारी गाड़ी गायब हो गई है, बिल्डिंग में है ही नहीं गाड़ी, अब हम क्या करें. फिर गाड़ी कहाँ मिलती है, दिमाग लगाया कि कहाँ हो सकती है गाड़ी. गाड़ी मिली रोहित साठिया की बहन की बिल्डिंग में, जो कि यहाँ अंधेरी में बेल्सकॉट में है. सो ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर आर देयर. गाड़ी यहाँ से वहाँ जाके खड़ी की गई. सो द बैंकर्स केम टू टेक द कार. रोहित साठिया भी वहाँ पहुँचा, गाड़ी की चाबी देने से मना कर दिया. ही कॉल्ड अ कपल ऑफ पीपल, स्टार्टेड शाउटिंग, बोला कि पॉलिटिकल प्रेशर डलवाने की कोशिश हो रही थी, डिडंट वर्क. उसके बाद गाड़ी की चाबी देने से मना कर दिया, तो इवेंचुअली ऑफ कोर्स बैंकर्स को ऐसी ही गाड़ी उठा के लेके जाना पड़ा. उसमें भी नुकसान है, गाड़ी आप खींच के ले जाओ तो क्या होता है. तो वो नुकसान भी किसने बेयर किया, मैंने.
एंड उसके बाद घर में रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं, उसका एविडेंस भी सबमिट हो गया है। देन लाइफ थ्रेट जो मुझे दी गई उसका भी हो गया है। और ऑफकोर्स बहुत लोगों को ये कहा जाता है, जैसे अब उस दिन भी जब बैंकर्स आए थे, IDBI वालों को भी और जो ये दूसरे गाड़ी वाले बैंकर्स थे, सबको ये कहा था मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, मैं देख लूँगा तुम लोग को ऐसे वैसे, और ऐसी ही थ्रेट सबको दी जाती है। और सिर्फ यही नहीं है, पॉलिटिशियंस का नाम भी लिया जाता है। आई कॉन्ट से द नेम्स, बट लखनऊ के पॉलिटिशियंस हैं उनका नाम आता है कि मैं इसको जानता हूँ, इसके साथ मिला था आपको, ये काम करवाना है। यार हदों की, विच सेंचुरी आर वी इन गाइस? मतलब आज दिन दहाड़े बॉम्बे जैसी जगह में मेरे घर में आदमी घुसा हुआ है 14 महीने से, हो क्या रहा है? और मैं कुछ कर नहीं पाऊँ क्योंकि मैं आदमी हूँ, और वो औरत है तो कुछ भी बोल सकती है? व्हाट नॉनसेंस इज दिस यार, टू किस हाइट तक जा रहे हैं लोग, आप देखो। और एक एविडेंस तो ऐसा है, अगर मैं चला दूँ ना खत्म हो जाओगे, मतलब आप लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है जिंदगी में। दिस इज द लास्ट कॉन्फ्रेंस आई एम गोइंग टू गिव एक्चुअली फॉर दिस, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं है फालतू बातें करने का, जिंदगी में कुछ करने आए होंगे। 31 मई की रात को निशा रावल, रोहित साटिया, लक्ष्मी रावल ऑल्सो, जिस तरह की ये कॉन्स्पिरेसी प्लान की गई थी, इसके तहत मुझ पर ऑफकोर्स झूठे केसेस लगाए गए, बेबुनियाद आरोप ऑफकोर्स लगाए गए, घर से बाहर कर दिया गया, फिजिकली असॉल्ट किया गया उस दिन। आई वॉज असॉल्टेड फिजिकली बाय रोहित साटिया, हालांकि मैं कोविड से उठा था उस दिन, मैं रात को उस टाइम पे सो रहा था जब ये किया गया। देर वॉज अ फिजिकल असॉल्ट डन ऑन मी। लक्ष्मी रावल वॉज रिकॉर्डिंग द वीडियो, वो वीडियो बना रही थी कि अगर ये मारे तो शायद मैं आगे से कुछ करूँ, लेकिन मैंने वो कभी किया नहीं, मैंने वो हाथ पकड़ लिए थे। वो वीडियो आज तक बाहर क्यों नहीं आई? क्योंकि उसमें साफ दिख रहा है कि उसने हाथ उठाया। इट वॉज अ फुल स्टेज सेट, मतलब हमने तो एक्टिंग करी, हमें तो, मतलब उस दिन देख के तो मैं ही शॉक हो रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और फिजिकली असॉल्ट क्यों किया? इस प्रीटेक्स्ट पे कि मैं निशा का भाई हूँ, तुमने निशा के साथ ये किया, अब मैं उसका भाई हूँ तो मैं तुम्हारे पे हाथ उठा रहा हूँ, ठीक है? और फिर वहीं पे ही ऑल्सो अगेन बोथ हैड थ्रेटन्ड उस दिन रात को ये कि हम चारों को गोली से मार देंगे, ये भी हुआ था, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। फिर मैं जब नवंबर 2nd November 2021 पिछले साल दिवाली से एक दिन पहले गया था, बैंकर्स के साथ ही गया था, फिर से गाड़ी के लिए ही उस टाइम पे भी गया था, दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई वेंट। उस टाइम पे भी फिजिकल असॉल्ट किया, इन लोगों ने धक्का मुक्की की मेरे साथ, मुझे धक्का मारा, कावे से मिलने से भी रोका, अपना सामान कुछ लेने गया था, बेसिक चीज़ें गाइस, बेसिक चीज़ें। मैं एक सूटकेस में पिछले 5 महीने तक घूमता रहा, मतलब फ्रॉम जून से लेके नवंबर तक,